पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी डकैत राकेश डोयला को गिरफ्तार किया और साथ ही उसके कब्जे से बसेरडांग थाने इलाके में अपहरण की गई नाबालिग को भी दस्तायब किया है। SHO योगेंद्र सिंह ने बताया कि बाड़ी सदर थाना पुलिस और बसेरडांग थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में पैरोल में फरार हुए 5,000 रुपए के इनामी डकैत राकेश डोयला पुत्र राम सिंह डोयला गुर्जर निवासी गांव डोयलन कपुरा थाना बसेरडांग जिला धौलपुर को भोलापुरा के पास चंदीलपुरा के जंगलों में गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 22 मार्च 2020 को पुलिस थाना बसेरडांग क्षेत्र से हथियारों के बल पर रात के अंधेरे में करीब आधा दर्जन नाम जित आरोपियों द्वारा अपहरण की गई एक नाबालिग को भी दस्तायब किया है। अपहरण हुई नाबालिग के भाई ने 24 मार्च 2020 को दर्ज करवाया था और पुलिस ने धारा 363-366 AIPC में मामला दर्ज किया था। राजावत ने बताया कि डकैत राकेश डोयला धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का एक अवैध कट्टा व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डकैत राकेश डोयला से बरामद हथियार के संबंध में व अन्य साथियों के साथ शरणदाताओं के संबंध में भी तफ्तीश की जानी है। भोलापुरा के जंगल से पैरोल से फरार, पिछले 2 वर्ष से पैरोल से फरार 5,000 रुपए के इनामी डकैत राकेश डोयला निवासी डोलिंगापुरा को गिरफ्तार किया है, जिस जो अपहरण का भी मुख्य आरोपी है, जिस पर गरबापुरा थाना बसेरडांग के इलाके की एक अपहर्ता को ले जाने का मुकदमा पंजीबद्ध है, उसका भी ये मुख्य आरोपी है, उसको भी वहाँ से अपहर्ता को भी दस्तयाब किया गया है। इसके अलावा उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का ये सक्रिय सदस्य है, जिससे और इसके साथियों के बारे में और शरणदाताओं के संबंध में हथियार के संबंध में पूछताछ के लिए इसका पुलिस रिमांड आज न्यायालय में पेश कर प्राप्त किया जाए। सर, जो अपहरणकर्ता दस्तयाब की गई है वो नाबालिग है कि बालिग है? वो नाबालिग है अपहर्ता, और उस मामले में उसको दस्तयाबी बाबत हैबियस कॉर्पस माननीय रास्ता उच्च न्यायालय।